हेत्या। ड्यूटी से लौटते समय प्रधान आरक्षक के एक्सीडेंट मामले में ताजा अपडेट। प्रधान आरक्षक हरिओम यादव की हुई मौत। उपचार के लिए ले जाया जा रहा था इंदौर। स्वास्थ्य ज्यादा खराब होने पर सेंधवा के निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां देर रात प्रधान आरक्षक हरिओम यादव ने अंतिम सांस ली। बताया जा रहा है सर में गंभीर चोट आने व नाक और कान से खून बहने से प्रधान आरक्षक हरिओम यादव का हुआ दुखद निधन। आपको बता दें, कल खेतिया थाने पर पदस्थ प्रधान आरक्षक हरिओम यादव की बाइक को एक कार ने उस समय टक्कर मारी, जब हरिओम यादव कोला पर्व पर ड्यूटी कर वापस लौट रहे थे, जिसके बाद प्रधान आरक्षक को उपचार हेतु प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां से उन्हें महाराष्ट्र के शहादा रेफर कर दिया गया था। प्रधान आरक्षक की गंभीर अवस्था को देखकर शहादा से उन्हें इंदौर रेफर किया गया था। देर रात प्रधान आरक्षक हरिओम यादव ने अंतिम सांस ली। हरिओम यादव खेतिया थाने पर पदस्थ थे और दो दिन पूर्व ही वह खेतिया थाने पहुंचे थे। हरिओम यादव के दुखद निधन से पुलिस विभाग में भी दुख की लहर है। धनोरा चाचरा रोड पर आज सुबह निजी स्कूल बस और बाइक के आमने सामने टक्कर में बाइक सवार तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर मौके पर पहुंचे डायल 100 वाहन ने घायलों को सेंधवा सिविल अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया। आज सुबह धनोरा की निजी स्कूल की बस बच्चों को लेकर स्कूल आ रही थी। इसी दौरान कुमठाना गाँव के समीप सामने से आ रहे बाइक सवारों से बस की टक्कर हो गई। हादसे में बाइक सवार शोभाराम, इलाराम और दल सिंह घायल हुए, जिन्हें इलाज के लिए सेंधवा सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।